जालौन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दो दोस्तों ने एक साथ अपनी जान दे दी। कहा जा रहा है कि दोनों दार्शनिक ओशो से प्रभावित थे और मौत से पहले ओशो का प्रवचन सुना था। सोशल मीडिया पर भी मौत वाला स्टेटस लगाया गया था। जालौन के कल्पी थाना क्षेत्र से ये सन्न कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो जिगरी दोस्त ने एक साथ अपनी मौत को गले लगा लिया। इसके पीछे भी बेहद चौंकाने वाली वजह सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों में काफी समय से दोस्ती थी। दोनों दार्शनिक ओशो से बेहद प्रभावित थे और अक्सर ओशो के प्रवचन सुनते थे। माना जाता है कि प्रवचन जिंदगी में सुधार लाने वाले होते हैं, लेकिन क्या कोई प्रवचनों से इतना प्रभावित हो सकता है कि वो मौत का रास्ता भी चुन ले? जानकारी के मुताबिक मौत से पहले दोनों ने ओशो के प्रवचन सुने और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें लिखा गया था, मृत्यु ही सत्य है, चिता, शव यात्रा जैसे स्टेटस लगाए थे। इसके बाद जहरीली पदार्थ खाने से दोनों की मौत की खबर आई, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जवान बेटों की मौत से उनका परिवार बिखर गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना कालपी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करी। सबों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच पड़ताल पर ज्ञात हुआ कि दो व्यक्ति जिनका नाम है अमन पुत्र राम प्रकाश, वालेंद्र पुत्र रमेश पाल, इन दोनों व्यक्तियों ने विषाक्त पदार्थ खाया है और आत्महत्या कारित की है। और भी पुलिस द्वारा जब जांच पड़ताल की गई तो उनके कुछ व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक के स्टेटस हमें प्राप्त हुए हैं। हम और भी एंगल से इसमें जांच कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमन 23 साल का था, मेडिकल स्टोर चलाता था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। वहीं उसके दोस्त बालेंद्र की उम्र 21 थी। वो अक्सर अमन के साथ दिखाई देता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों पर ओशो का भी असर था। मंगलवार रात की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ करबला के मैदान में दोनों दोस्त गए थे, कोई जहरीला पदार्थ खाया, बालेंद्र की मौके पर मौत हो गई थी, तो वहीं अमन की हालत बिगड़ने लगी। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी खबर लगी तो मौके पर जाकर जो देखा उसे सभी के पाँव के तले जमीन खिसक गई। बालेंद्र और अमन जमीन पर बेसुध पड़े थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अमन भी दम तोड़ चुका था। दोनों युवकों के आत्मघाती कदम से उनके घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर किन परिस्थितियों में युवकों ने जानलेवा कदम उठाया, पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। जालौन से न्यूज 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट।